नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल निमेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जय जनशक्ति में। माय फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किसी भी बैंक एनबीएफसी या लोन एप्लीकेशन के माध्यम से लोन लिया है और किसी कारणवश आप अपने लोन को डिफॉल्ट कर चुके हैं, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। इस वीडियो में मैं आपको काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। और गाइस, अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए और आप चाहते हैं हम आपके लिए इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन लेकर के आते रहें, कृपया करके आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करें और ऑन कर दें ऑल नोटिफिकेशन को। उससे क्या होगा, कोई भी हमारे द्वारा वीडियो लेकर के आई जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए अधिक समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। भाई, जब भी आप किसी भी बैंक एनबीएफसी या लोन एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी प्रकार का कोई लोन लेते हैं, आपका इंटेंशन बिल्कुल नहीं होता कि आप किसी भी बैंक एनबीएफसी का लोन डिफॉल्ट करेंगे, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन जाती है जिस कारणवश आप लोन डिफॉल्ट कर देते हैं। और लोन डिफॉल्ट होने के बाद में आपकी चाहे एक ईएमआई डिफॉल्ट हो जाए, चाहे आपकी दो ईएमआई डिफॉल्ट हो जाए, चाहे आपकी तीन ईएमआई डिफॉल्ट हो जाए, उसके बाद में रिकवरी एजेंट जो आपके साथ में उत्पीड़न करते हैं, जो आपको डराते हैं, जो आपको धमकाते हैं, ये काफ़ी हैवी हरासमेंट होता है। ये मेंटली पूरे तरीके से आपको डिस्टर्ब कर देते हैं। दोस्तों, आपको मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप किसी भी बैंक एनबीएफसी या मोबाइल लोन एप्लीकेशन से लोन लेते हैं, देखिए, अगर आपके पास में पैसा है तो आप इनका पैसा दे करके पूरे तरीके से अपना पीछा छुड़ा लें तो बेटर होगा। अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहें। दोस्तों, आपको एक बात स्पष्ट रूप से समझनी होगी। देखिए, आप जब भी किसी बैंक या एनबीएफसी से लोन लेते हैं, देखिए, आप उसको पूरे तरीके से इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, राइट? आप कोई क्रिमिनल नहीं है, ठीक? आपके ऊपर एफआईआर कब हो सकती है? जैसा कि आपने देखा होगा, रिकवरी एजेंट आपको कहते हैं कि आपके ऊपर एफआईआर हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। एफआईआर आपके ऊपर इस केस में फाइल होगी अगर आपने किसी भी बैंक एनबीएफसी को किसी प्रकार का कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट दिया है, लाइक आपने अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो फर्जी दे दिया, आपने अपने बैंक अकाउंट की जो स्टेटमेंट है वो एडिट करके दे दी। इन सिनेरियोज में आपके ऊपर डेफिनेटली बैंक एनबीएफसी चाहे तो एफआईआर कर सकता है। लेकिन अगर आपका लोन डिफॉल्ट हो जाए, चाहे आपकी एक ईएमआई डिफॉल्ट हो, चाहे आपकी दो ईएमआई डिफॉल्ट हो, चाहे आपकी तीन ईएमआई डिफॉल्ट हो, चाहे आपकी चार ईएमआई डिफॉल्ट हो, चाहे आपकी पांच ईएमआई डिफॉल्ट हो, देखिए, बैंक और एनबीएफसी किसी प्रकार का आपके ऊपर ना तो एफआईआर दर्ज कर सकती और ना डायरेक्टली कोई केस फाइल कर सकती। हाँ, अगर बैंक और एनबीएफसी को केस फाइल करना होगा तो पहले वो आपसे लीगली वे में बात करेंगे, अच्छे तरीके से चीज़ों को समझेंगे कि भाई ये क्या इशू आ रहा है, क्यों आप पेमेंट नहीं कर रहे हो। लीगल नोटिस आपके पास में आएगा, तब जा करके आपके ऊपर केस फाइल किया जाएगा, राइट? लेकिन दोस्तों, अगर आप सोचें कि बैंक और एनबीएफसी कुछ नहीं कर सकती, आप इनका भुगतान ना करें, तो आपकी एक गलतफहमी है। देखिए, अगर आपके पास में पैसा है तो ये बहुत कुछ कर सकती हैं, आप उनका पैसा जानबूझ करके नहीं दे रहे हैं। अगर पैसा नहीं है तो कोई भी बैंक एनबीएफसी आपका कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? पैसा है तो जानबूझ करके आप इनका पैसा ना रोकें, पैसा दे दें, और पैसा नहीं है तो भाई फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप समझ गए होंगे ना, ये चवन्नी छाप आपको कहते हैं हम आपके ऊपर एफआईआर करा देंगे, हम ऐसा करा देंगे, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिकाना हो जाएगा। एक्चुअली मेरे एक सब्सक्राइबर हैं अरविंद कुमार, अरविंद कुमार ने मुझे ईमेल करके बताया, सर मैंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के माध्यम से लोन लिया था, ठीक है, मेरी पांच ईएमआई डिफॉल्ट होगी, और पांच ईएमआई डिफॉल्ट होने के बाद में रिकवरी एजेंट मुझे कॉल करके कह रहा है कि भैया आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी। अरे भैया, किस केस में एफआईआर दर्ज करा दी भैया? कोई वो क्रिमिनल है, कोई चोर है, ये बताओ। तो दोस्तों, आपको ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर ये कहें कि भाई ये क्रिमिनल केस में आता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? ये लोन डिफॉल्ट होना ये सिविल का डिफॉल्ट माना जाता है, राइट? मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, आप मेरे वीडियो को लाइक करके जा सकते हैं, अच्छा नहीं लगा है डिसलाइक करके जा सकते हैं, कोई सुझाव है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और माय फ्रेंड्स, मैंने अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के जो लिंक हैं, लाइक ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप उनको जरूर फॉलो कीजिएगा। फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।